लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है मुझे रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि क्या सुंदर नजारा है साइड में, वाह। ओह हो नाइस। अभी यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक। अभी एक बंदे का इतना सही पोपट हुआ ना गाइस, ये देख लो कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और ये हम आ चुके हैं साधना चूली वर्ची मिसर। बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। एक तो डरा हुआ है उसमें भी, और रास्ते पे आके बैठा है। सो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं बाइक राइड पे जा रहा हूँ, एंड इस बार मैं सोलो जा रहा हूँ। कसारा घाट से पहले मैं ब्रेक लेने वाला हूँ और मिलता हूँ आपको कुछ ही देर में। सो लेट्स गो। और अभी मैं कनेक्ट होने वाला हूँ नासिक हाईवे पे। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आगे कभी कभी काम चालू रहता है ना, तो ट्रैफिक रहता है, पर इज्जत में अपने को चलाना है, एकदम अच्छे से चलाना है, कोई गाय नहीं करनी है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है मुझे रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा जो हेलमेट है वो एज यूजल पीछे से कुछ तो मेरे को त्रास देता है। तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। मेरे को हॉर्न दिया ट्रक वाले ने और खुद ही अभी स्लो चला रहे, वाह। क्या सुंदर नजारा है साइड में, वाह। मैं आगे देख रहा हूँ एक्चुअली, और व्यू आपको साइड का दे रहा हूँ, सो डोंट वरी। देखो क्या खूबसूरत है यार, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ए बाबू, ये मौसम देख के ऐसे लग रहा है बहुत जोर से बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, ये स्मॉग की वजह से ऐसा दिख रहा है। बाकी ऐसा ही मुझे पसंद है, स्मॉग नहीं, बारिश का मौसम। मुझे बारिश चल जाती है एक बार, ठंडी चल जाती है एक बार, धूप नहीं सहन होता है मुझसे ज़्यादा, वो भी ऐसे सब पूरे गेटअप में स्पेशली, क्योंकि ये सब गेटअप में हम लोग रहते हैं, और अगर ट्रैफिक मिल गया और धूप अगर रहेगी दोपहर की तो पूरी वाट लग जाती है बॉडी की, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता फिर। ओह हो नाइस। अभी यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक। मुझे जाना है वॉशरूम एक्चुअली, अभी तक तो अच्छा चल रहा था भाई, क्या हो गया। होप एवरीथिंग इज गुड अहेड। अगर आप कार में ट्रैवल करते हो ना, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी कार चला के हाईवे या जिधर भी जाते हैं सिटी में, ये अपनी कार बड़ी रहती है, इसके लिए बहुत से ऐसे पैचेस आते हैं लेफ्ट साइड में, कि जहाँ से कार जा ही नहीं सकती आगे के कार या ट्रक की वजह से, या जो भी गाड़ी रहेगी उसकी वजह से, बट बाइक जा सकती है। सो प्लीज़ गिव द वे टू द बाइक और स्कूटी जो भी है, ताकि वो लोग ना फंसे। अब मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं कंट्रोल नहीं करने वाला। अभी एक बंदे का इतना सही पोपट हुआ ना गाइस, उनको लगा कि यहाँ से रास्ता है इसके लिए मैं यहाँ से गया हूँ, लेकिन आगे जाके डेड एंड है, वो भी आए मेरे पीछे। मेरे को देख के यूटर्न मार के रिटर्न यही रोड पे कनेक्ट हो गए। कितना अच्छा धुआ है काला काला, वाह। चलो ट्रैफिक तो ख़त्म हो गया है, अभी रोड अपना थोड़ा सा। हेलमेट पहना करो गाइस, एटलीस्ट हाईवे पे तो पहना करो। चलो इधर ही ब्रेक लेते हैं, कसारा और टाइम लगने वाला है, थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, छाछ वगैरह पी लेते मस्त एकदम। रास्ता बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। सो टाइम अपडेट गाइस, 8:30 बज रहे हैं और मैं रुका हूँ छाछ पीने के लिए, क्योंकि कुछ तो ठंडा चाहिए था। एंड कभी भी राइड पे मैं जब जाता हूँ तो नॉर्मली छाछ ही पीता हूँ,
अच्छा लगता है मुझे। और रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, स्मूथ है, बाकी राइड एकदम स्मूथ चालू है। और अभी मैं आपको कहानी बता दूँ, मुझे सोलो क्यों करना था। मैंने ऑलमोस्ट एक महीने से राइड नहीं की है, तो मैंने सोचा कि राइड करते हैं। मैंने पूछा सब लोगों को, सब लोग बिजी थे, तो कोई बात नहीं, मैं खुद अकेला अभी आ गया हूँ राइड पे। एंड बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड मेन मतलब कैसा है कि मेरे ग्रुप के साथ मैं ब्लॉग बनाता था, लेकिन आज मैं सोलो हूँ, तो यहाँ पे मेरी असली टेस्ट हो सकती है कि मैं खुद को कितना रिप्रेजेंट कर पाता हूँ लोगों के सामने, बिना फियर के, बिना शायनेस के। तो यही मुझे चाहिए था, इसके लिए मैं आज सोलो आया हूँ। बाकी तो और कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है, लेकिन गाने सुनते सुनते अच्छे अच्छे आराम आराम से जा रहे, बस अभी छाछ पीते हैं। चलो गाइज निकलते हैं अभी। मैंने और एक कैमरा नीचे सेट किया है, जो एंगल आप देख रहे हो वो कैमरा है पुराना, लेकिन अभी है तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और ये व्यू बहुत सही है, इससे भी अच्छा एक व्यू आगे इगतपुरी के घाट में लगेगा, वहाँ पे भी मैं रुक के फोटोज़ खींचूँगा। बहुत सही वेदर है, बहुत सही। देखो आज टाइम की कोई लिमिट नहीं है अपने को कि इतने बजे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, इतने बजे घर पहुंचना है, नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं आराम से जाने वाला हूँ, अपना टाइम लेके आज का पूरा दिन मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। ये देख लो कितना सुंदर है, कितना सुंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ त्रिंबकेश्वर पहले, और जो राइट साइड में रोड गया है वो जा रहा है नासिक, और यहाँ से त्रिंबकेश्वर के लिए बाईपास ये है, स्वामी श्री स्वामी समर्थ महाराज का टेम्पल है, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। यहाँ से कहाँ से जाने मिलेगा वाहन, तो यहीं पे दिखा रहा है, बाइक अगर ऊपर जा सके तो वेल एंड गुड है। गाइस यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना मना है, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन एम्बियंस जो है यहाँ पे, सराउंडिंग है, एनवायरमेंट बहुत सही है। बस अभी अंदर जाके थोड़ा बैठ के मैं फिर से निकलूंगा। A few moments later. गाइस मेरा जो दर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमको एक भाई मिला है यहाँ पे गोरक्ष करके। Hi. तो ये भी राइडिंग का शौकीन है, तो अच्छा लगा इनसे भी मिलके, क्योंकि मैं भी जब इनके तरह था तो ऐसे ही कोई राइडर दिखता था तो मैं भी जाके पूछता था बेसिकली। तो कोई नहीं, नाइस टू मीट यू। चलो निकलते अभी। Bye. चला बेटू। Bye. वीडियो चालू है। ऑल द बेस्ट। चला बेटू। बहुत सही बंदा है यार, बहुत हम्बल बंदा है। ऐसे बंदे मिलते हैं, एक अपने को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अभी जाते हैं नासिक मिसल खाने के लिए, नासिक मिसल के लिए भी फेमस है। वेलकम टू नासिक। अभी मैं नासिक में तो आया हूँ, अभी सिर्फ मैप में देखना है वो मिसल पाव कहाँ पे है। और ये हम आ चुके हैं साधना चूली वर्ची मिसल। साधना मिसल में, जैसे कि आपने देखा पहले भी, और अभी ऑर्डर किया है चूली वर्ची मिसल, जिसके साथ आता है दो पाव दही और पापड़, और मेनू भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी।
टेस्ट दिखते कैसे, और प्रॉपर मिसल है जो स्प्राउट्स रहना चाहिए वही है, परसेंट भी इक्वली दिया है उन्होंने, तो अच्छा है देखते काफ़ी गर्म गर्म है मस्त। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं अभी, चला काका। तो ये था साधना मिसल पाव, और दो बाइकर्स मिले थे, बाइकर पवार करके उनका चैनल है। इन्होंने मुझे बोला कि गंगापुर डैम करके एक जगह है, तो वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। 5 किलोमीटर ही है गंगापुर डैम लेफ्ट साइड में, और मेन अपना जो हाईवे रहेगा वो है राइट साइड में। तो मैं अभी जाऊँगा गंगापुर डैम, देखूँगा क्या है क्या नहीं। सो बेसिकली अभी साधना मिसल में था मैं, तो वहाँ के जो ओनर्स थे एक नंबर इंसान थे यार, मतलब उनसे बात करके इतना अच्छा लगा ना, बहुत कोऑपरेटिव थे। सो थैंक यू टू तनुज भाई। निकलते यहाँ से, मैं यहाँ पे ब्लॉग ही नहीं कर पाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी चल रही है, तो मैं अगर बोलता भी तो भी आवाज नहीं आता आपको। यहाँ पे MTDC है, मेरे को लगा लकड़े का टुकड़ा है, बट ये पपीता, नसीब डरा हुआ है यार। अभी मेरे को मालूम नहीं इसका क्या सीन है, बट साइड में पेट्रोल पंप पे छोड़ सकते है क्या इसको, ट्राई कर सकते है। अरे ये तो और अंदर जा रहा है भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला तेरे को, इधर आ। कोई नहीं भाई, बाहर मत निकलियो बस, टेक केयर। अरे फिर से बाहर निकला हो, क्या करने का इसका। अभी मैं इसको उठा के सोच रहा हूँ पेट्रोल पंप पे रख दूँ। ये बहुत डरा हुआ है वो, क्या कर सकते हैं यार। पेट्रोल पंप इधर ही है, भले इधर से हो किधर भी पीछे साइड चला जाए तो भी चलेगा मेरे को। एंड मेन मतलब ये हाईवे है, तो हाईवे पे फास्ट गाड़ी आती है बहुत, और ये लेन के बीच में बैठ रहा है या रास्ता क्रॉस करेगा तो भाई ये तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ ये बाहर निकलने के, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा है बे यार। अंदर चला जाए एटलीस्ट वो भी चलेगा मेरे को, इधर बाहर मत आ, अभी गया लगता है किधर, तो अंदर नहीं इधर बैठा है। चलो कोई नहीं, मैं निकल रहा हूँ अभी, फिर से आईने में देखूंगा नहीं मैं, ये तो मेरे को भी कैसे तो होता है फिर। बस बाहर मत आइयो, बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। एक तो डरा हुआ है, उसमें भी वो रास्ते पे आके बैठा है। सो गाइस अभी टाइम अपडेट है 5:30, और मैं हूँ कसाराघाट के स्टार्टिंग में।
यहाँ पे जो पीछे होटल दिख रहा है आपको, मैं वहाँ पे रुका था। मैं अभी जा रहा हूँ कैमल वैली की ओर। यहाँ पे एक स्पॉट है छोटा सा, तो वहाँ से जो व्यू है वो बहुत सही दिखता है। मुझे टाइम लैप्स लेना था सनसेट का, जो कि मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा क्योंकि क्लाउड्स बहुत है आज। तो देखते क्लाउड्स का ही ले लेंगे नहीं तो, और उसके बाद घर के और निकल जाएंगे। तो रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, और दिखा देता हूँ आपको व्यू पूरा। जो आपने टाइम लैप्स देखा वो ऑफकोर्सली क्लाउड्स का ही था, सन प्रॉपर यहाँ पे दिखा नहीं और सुबह में भी नहीं दिखा था। तो आज मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सेम रोड से ही मैं जाने वाला हूँ। अंधेरा भी रहेगा तो रोड्स दिखा के भी मतलब नहीं है। और बस अभी और एक चाय या कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद घर पर निकल जाऊँगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू वॉच माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आपको हमेशा की तरह तीन काम करने, लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो के लिए रेडी रहिए। हवा बहुत तेज है अभी, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।